हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुषमा क्रिएटिव गार्डन में। फ्रेंड्स, आज बोगनवेलिया के बारे में बात करनी है। गर्मियों का ये काफ़ी खूबसूरत पौधा है, पूरी गर्मी इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इस बोगनवेलिया को हमेशा फूलों से भरने के लिए इसको क्या करना है, कैसे इसे हम इसे देखभाल इसकी कैसे करेंगे, जिससे कि पौधा हमेशा इसी तरीके से पॉट में भी पूरा फूलों से भरा रहेगा। बोगनवेलिया बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट। इसमें बहुत सारे कलर्स मिलते हैं और ये हाइब्रिड भी होता है और साथ में देसी वाला भी। तो गमले में आप इसे दोनों लगा सकते हैं, दोनों में ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। गमले में मेरा ये लगा हुआ है, ये देसी वाला प्लांट है और उसमें भी देखिए हर हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है। इसी तरीके से मेरा पौधा फूलों से भरा रहता है। तो इसकी थोड़ी सी देखभाल करने के बाद ये पौधा अच्छी फ्लावरिंग करता है और परमानेंट बना रहता है। बहुत इजी मेंटेन होने वाला ये पौधा होता है। तो इसको ज़्यादा फ्लावर्स लेने के लिए क्या करना है, आज यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, इसे एक बार लगा लेंगे तो पॉट में हमेशा चलते रहता है। इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो इस प्लांट को पूरे सनलाइट चाहिए, धूप। इसे फ्लावरिंग के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं भी होता है। मेरा ये पॉट में लगा हुआ प्लांट है और जहाँ पे मैं इसे रखती हूँ ऊपर का एरिया इस तरीके से, तो यहाँ पे इसे बहुत कम धूप मिल पाती है। 3 घंटे की धूप मिल जाती है, 4 घंटे की धूप मिल जाती है, गर्म हवा मिलती रहती है इसे। और उसमें भी ये देखिए काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करता है और कंटिन्यू करता है। इसे एक बार अगर फ्लावर्स ले लेते हैं तो फिर दोबारा लेने के लिए इसमें थोड़े कुछ टिप्स अपनाने होते हैं, जिससे कि फिर ये पौधा दोबारा से फूलों से भर जाता है। तो बोगनवेलिया को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। ज़्यादा धूप मिलती है तो अच्छा है, लेकिन 4 घंटे की धूप तो इसे मिलनी ही चाहिए। 4 घंटे की धूप अगर इसे मिल जाती है तो हमेशा फ्लावर्स इस पर ऐसे ही भरा रहेगा। तो इसे सनलाइट बहुत ज़रूरी है, अगर इसे धूप में नहीं रखेंगे तो फ्लावरिंग नहीं होती है। दूसरा है, इसे इसकी जो मिट्टी है इसे थोड़ी ड्राई रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला लेकिन नहीं होना चाहिए गीला। हाँ, हल्की फल्की मॉइस्ट होनी चाहिए, जिससे कि नमी थोड़ी बनी रहे। लेकिन वो तब जब मिट्टी जब पूरा सूख जाए तभी इसमें हम दोबारा पानी देंगे। ऊपर से देखिए ये मिट्टी मेरी पूरी ड्राई हो चुकी है। हालाँकि अभी गर्मी का सीज़न है तो सुबह मैं इसमें थोड़ा सा पानी तो दे ही देती हूँ, तब भी ये बहुत जल्दी सूख जाता है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ, कभी कभी एक दिन अगर ज़्यादा पानी दिया पूरी मिट्टी भिगा दी नीचे तक, तो बीच में एक आध दिन गैप भी कर देती हूँ। और फिर देखिए इस पौधे पे फ्लावर्स इस तरीके से भरे रहते हैं। तो मिट्टी थोड़ी ड्राई हो तभी इसमें पानी दीजिए फूलों को लेने के लिए। तो ऐसे ही पूरा पौधा फूलों से भरा रहेगा, पत्तियाँ कम दिखेंगी। अगर पानी ज़्यादा रोज़ देते हैं तो ज़्यादा पानी से ब्रांचेस तो होते ही हैं, पत्तियाँ ज़्यादा हो जाएंगी और इसके जो ब्रांच हैं लंबी लंबी सी टहनियाँ हो जाएंगी, तो उसमें फ्लावर्स थोड़े कम दिखेंगे, पत्तियाँ ज़्यादा दिखेंगी। तो इसे थोड़ा ड्राई रखें, रेगुलर फ्लावर्स लेने के लिए, फूलों से पौधा भरे रखने के लिए थोड़ा ड्राई रखिए। तो ऐसे ही पूरा पौधा फूलों से भरा रहेगा। ये हो गया दूसरा बात। और तीसरी बात हुई फ्रेंड्स, इसके लिए तीसरी चीज़ें क्या है, इसे धूप में रखना इसे तो पसंद है ही। अब हुई फर्टिलाइज़र की बात, तो फर्टिलाइज़र इसमें क्या देना है, फर्टिलाइज़र जिससे कि पौधा अच्छी ग्रोथ करे और अच्छी ग्रोथ के साथ साथ ये इसी तरीके से फूलों से भरा रहे। तो फर्टिलाइज़र में हम यूज़ करेंगे इसमें, अभी इसमें गोबर की खाद दे सकते हैं आप, काउ डंग कंपोस्ट भी इसमें दे सकते हैं, साथ में इसमें आप DAP के दाने दे सकते हैं, 8 से 10 दाने अगर 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो। गोबर की खाद इसे महीने में एक बार अभी दीजिए, गर्मी का मौसम है,
तो काफ़ी अच्छा रहेगा पौधा के लिए। गोबर की खाद बहुत अच्छा होता है इसके लिए, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए। और साथ ही इसमें पोटाश डालें, 1 चम्मच पोटाश। तो पोटाश अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो पोटाश के जगह पर अनियन पील्स जो होते हैं इस तरीके से, इसका ड्राई पाउडर बना के डाल सकते हैं, या फिर इसको लिक्विड बना के भी दे सकते हैं। 15 डेज पर एक बार इसमें दे दिया कीजिए, जिससे कि पौधा की अच्छी ग्रोथ होगी और साथ में फ्लावरिंग होगी। तो पोटाश की जगह पे अनियन पील्स का इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी अगर अनियन पील्स ड्राई है, पाउडर नहीं भी बनाए हैं, तो भी थोड़ी हल्की गुड़ाई करके, गुड़ाई कर लें पॉट में, इस तरीके से गुड़ाई कर लें। इसमें इसको मिक्स कर देना है फ्रेंड्स, और धीरे धीरे जब पानी देंगे ना तो ये पूरा इसमें मिक्स हो जाता है मिट्टी में। पानी देते रहिए तो ये मिक्स हो जाता है, फिर धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाता है वो। तो इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही काऊ डंग कंपोस्ट इसमें, जैसे अगर ड्राई फॉर्म में नहीं है, गोबर की खाद नहीं है, तो काऊ डंग से भी लिक्विड बना के दिया जा सकता है इसमें। मैंने इसकी लिक्विड बना के रखी है काऊ डंग की, तो इसको भी आप महीने में एक बार दीजिए इस पौधे में। इस पौधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फ्लावर्स आएंगे और इसी तरीके से पूरा पौधा फूलों से भरा रहेगा। तो ये हो गए इसके फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में मैं इस पे अनियन बनाना पिल्स भी देती हूँ फ्रेंड्स, बनाना पिल की बना करके लिक्विड वो भी इसमें दे देती हूँ। मेरे पास जो भी अवेलेबल होता है मैं इसमें दे देती हूँ, पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। और फ्लावर्स भी ऐसे ही हमेशा लेती रहती हूँ, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स इस पे आते हैं और बंच में। अब रही बात, चौथी बात इसमें रही कि अब इसमें अभी इसकी कटिंग, तो थोड़ा अभी गर्मी ज़्यादा है, कटिंग अगर इसकी लगानी है तो इसकी कटिंग लगाएं मानसून में। मानसून में इसकी कटिंग अच्छे से चल जाएगी। अभी इसको आप सेमी प्रून कर सकते हैं, जैसे ये फ्लावर पूरा खिल रहा है, खिलने के बाद सूखने लगा तो इन ब्रांच को हटा देना है। ब्रांच इसमें से हटेगा तो नए ब्रांच आएंगे, फिर इसमें फ्लावर्स भर जाएगा। तो इस तरीके से जो भी ब्रांच इसमें एक्स्ट्रा अभी दिखाई दे रहा है, जिसमें फ्लावर्स अभी नहीं आए हैं, पर इस तरीके से देखिए कुछ ब्रांच है मेरे जो कि अभी एक्स्ट्रा है, जिसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो इन सब को मुझे प्रून कर देना है। देखिए यहाँ से, तो ऐसे इस तरीके से हम ले सकते हैं अपने बोगनवेलिया पे ब्रांच ज़्यादा और ब्रांच के साथ फ्लावर। अभी इसका हार्ड प्रूनिंग का टाइम नहीं है, सेमी प्रूनिंग ही कर सकते हैं। प्लांट थोड़ा मैच्योर है, ये 2 साल हो गए हैं इसके, तो इस वजह से इसकी प्रूनिंग, अगर बहुत ज़्यादा और मैच्योर प्लांट है, 2-3 साल हो गया है, तो हार्ड प्रूनिंग भी इसकी कर सकते हैं। छोटा पौधा है तो उसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। और साथ ही इस पौधे को रिपोर्टिंग बहुत कम पसंद है, आप इसे रिपोर्ट तभी करें जब इस 2 से 3 साल हो जाए, पौधा पूरा मैच्योर हो जाए, इसके रूट पूरा बाउंड हो जाए पॉट में, तभी इसको रूट बाउंड बहुत ज़्यादा पसंद है, तभी ये पौधा अच्छी अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, अच्छे से इसमें ब्रांच भी आएंगे और फ्लावर्स भी खिलेंगे। और ऐसे ही पौधा पूरा घना और बुशी दिखेगा और फूलों से भी भरा रहेगा। तो इसे रिपोर्ट भी 3 साल पे ही करना है, बार बार इसे रिपोर्ट नहीं करना है इस पौधे को, तो ये पौधा हमेशा चलते रहता है अपने गार्डन में, कंटिन्यू पॉट में है। बोगनवेलिया अगर ज़मीन में लगाते हैं तो पानी बहुत कम देनी होती है, लेकिन पॉट में मिट्टी थोड़ी कम होती है, तो थोड़े इसे फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों के साथ ये फ्लावरिंग लगातार करते रहता है फ्रेंड्स, तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देने पर बोगनवेलिया हमेशा फूलों से भरा रहता है अपने गार्डन में। इसी तरीके से तो अपने गार्डन में इस पौधे को ज़रूर ऐड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।